एक तो कल हमने क्लोजिंग स्ट्रैटेजी थोड़ी सी जल्दी ली थी करीब थ्री टेन पर ली थी हाँ, हाँ। उसमें मैंने एक व्यू दिया था कि लॉन्ग लें थोड़ी हिम्मत करें लॉन्ग लेने की और कैरी करें अगर आपका वो बी वाला लॉन्ग है तो वो शुरुआत में एग्जिट करें क्योंकि वो हमने लिया था करीब करीब बाईस हज़ार दस के आसपास ठीक हाँ। है और अब मार्केट खुलेगा सत्तर पॉइंट ऊपर तो कल ऑलरेडी okay, तीस चालीस पॉइंट प्लस आज के हाँ। सत्तर पिछहत्तर पॉइंट तो आपको बी टी एस लॉन्ग हाँ। में सौ एक सौ दस पॉइंट मिल जाएंगे जो आपके फेवर में होगा एक वॉलेटाइल मार्केट में अगर सौ एक सौ दस पॉइंट मिल रहे हैं ले लीजिए उसको संकोच मत करिए बिल्कुल भी ओपनिंग पे ही ले लीजिए भले ही उसके बाद मार्केट कहीं भी चला जाए ये होती है अप्रोच उसके बाद ये मत सोचिए कि मैं तो जल्दी बुक कर लिया ये स्ट्रिक्टली जिन्होंने कल बी टी एस सी लॉन्ग लिया उनके लिए जो कल ये ट्रेड लेकर गए उसके बाद आते हैं हम लेवल टू वॉच पे पहला रजिस्टेंस मिलेगा आपको बाईस हजार एक सौ पैंतालीस पर बाईस हज़ार एक सौ पैंतालीस क्योंकि कल का निफ्टी का अगर इंट्रेडेड चार्ट रख दें स्क्रीन पर तो वो आपको दिखाई दे जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि बाईस हज़ार एक सौ पैंतालीस वहां से एक वन वे फॉल आई थी ठीक है तो ऑन द वे आप जिसने कल ब्रेकडाउन के लिए प्ले किया वो करीब करीब वहाँ पर बैठा है तो इसके लिए बाईस एक सौ पैंतालीस और बड़ा रेजिस्टेंस जोन है आपका बाईस दो सौ बीस से बाईस दो सौ पचास सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो बाईस दो सौ पर हुई है वहीं पर और वहीं पर कल का ऑल टाइम हाई भी है आपका तो अगेन अगर मार्केट आपको हिंट देने लगे और रिजेक्शन मिलने लगे तो सेल करें और सेल का जोन होगा करीब करीब बाईस एक से बाईस एक उससे पहले रिजेक्शन आ जाए तो वो भी हो सकता है वैसे और एक स्टॉप लॉस लगा दें बाईस दो का ये देखिए एक स्ट्रिक्टली इंटर ट्रेड है कैरी करना है नहीं डिपेंड करेगा क्लोजिंग पे जब क्लोजिंग में हम बात करेंगे तब इसको रिविजिट करेंगे ठीक है ना प्योरली फ्रॉम अ इंटर पॉइंट ऑफ व्यू कल के पैटर्न को देखकर और डेटा को देखकर मैं एक ये व्यू ले रहा हूँ इस पर हो सकता है कि ये ट्रेड ना चले लेकिन अगर चलेगी तो आपको अच्छा रिवॉर्ड करके देगी क्योंकि एक बार के लिए मुझे लग रहा है कि ये वापस फिर इक्कीस नौ टेस्ट कर सकता है निफ्टी तो ये जहां पर आपका फर्स्ट सपोर्ट आएगा फर्स्ट सपोर्ट है आपका इक्कीस जो है टेन डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना इक्कीस आठ सौ डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अब बाय कहाँ करना है बाय करना है आपको अगर तो निफ्टी ने इस गिरावट में अगर जो गिरावट आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगर आई उसमें टेन डेमा बचा लिया तो बाय करें

यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें